दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों मुंबई इंडियंस के फैंस को लगा करारा झटका, रोहित शर्मा होंगे आईपीएल 2023 से बाहर, तो वही सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी मुंबई की कमान। तो आखिर नीता अंबानी ने क्यों लिया इतना बड़ा फैसला, रोहित क्यों होंगे आईपीएल 2023 से बाहर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित धोनी और कोहली में से बेहतर कप्तान कौन है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का आगाज जल्द होने को है, जिसके बाद पूरी दुनिया में केवल आईपीएल की गूंज सुनाई देगी, जिसमें क्रिकेट जगत के सबसे बड़े खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ने को पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला 31 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चेन्नई और गुजरात के बीच खेला जाएगा, लेकिन सबकी निगाह टिकी होगी मुंबई के खिलाफ आरसीबी वाले मुकाबले पर, क्योंकि मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे सफल टीम रही है और उसी टीम से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है कि आईपीएल 2023 के आगाज से पहले मुंबई इंडियंस की कमान रोहित की जगह सूर्य कुमार यादव के हाथों में होगी। हालांकि ये बदलाव आईपीएल के शुरुआती कुछ ही मुकाबलों में देखने को मिलेगा। आपको बता दें मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती मुकाबलों में रोहित शर्मा बाहर बैठ सकते हैं। मुंबई इंडियंस के टीम मैनेजमेंट ने ये सब कुछ आगामी विश्व कप को ध्यान में रखते हुए रोहित पर वर्कलोड कम करने के लिए ये फैसला लिया है। आपको बता दें आईपीएल के बाद टीम इंडिया विश्व कप की तैयारियां शुरू कर देगी, ऐसे में रोहित शर्मा की जगह सूर्य कुमार यादव के हाथों में मुंबई की कमान होगी। मुंबई इंडियंस का पहला मुकाबला 2 अप्रैल को आरसीबी के साथ होना है। इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव मुंबई की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल में एक बार भी कप्तानी नहीं की है, वहीं मुंबई इंडियंस का पिछला सीजन भी बेहद निराशाजनक रहा था। टीम को लगातार 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था और अंक तालिका में 10वें पायदान पर रही थी। रोहित शर्मा मुंबई के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई ने 2013, 15, 17, 19 और 21 में आईपीएल ट्रॉफी पर कब्जा किया था। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस आईपीएल मुंबई किस तरह का खेल दिखाती है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है आईपीएल 2023 का खिताब किसके सर पर सजेगा, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।